हाय एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर प्रिंस वाधवबडी। आई एम फिजियोथेरेपिस्ट और आज हम देखने वाले हैं फिजियो एक्सरसाइजेस फॉर टेनिस एल्बो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आज आपको पांच ऐसी कसरतें बताने वाला हूं जो आपको घर पे करनी है टेनिस एल्बो के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहली कसरत से। सबसे पहले आपको ऐसे बॉल लेनी है, या तो टेनिस बॉल या स्क्विज बॉल, कोई भी दोनों बॉल आप ले सकते हैं। अगर आपको पेन ज्यादा है तो आप स्क्विज बॉल लीजिए, ठीक है। इस तरीके से आपको स्क्विज बॉल को पकड़ना है और दबाना है, ओके। दबा के इस हाथ को इस तरीके से रख देना है और पूरा रोटेट कराना है। एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ। क्लॉकवाइज 10 टाइम, एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम, ठीक है। एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ, दस। इस तरीके से हमें बॉल को स्क्विज करके पूरा रोटेट कराना है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। 10-10 रिपीटेशन करें और 3 सेट्स करें। लगातार 3 सेट्स नहीं करें, बीच में रुक रुक के गैप दे दे के आप बीच में आराम से 3 सेट्स कर सकते हैं 10-10 राउंड के, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारी दूसरे नंबर की एक्सरसाइज। दूसरे नंबर की एक्सरसाइज के लिए आपको थेराबैंड लेना है। थेराबैंड के साथ हमारी दूसरे नंबर की एक्सरसाइज चालू होगी। कुछ इस तरीके से आपको थेराबैंड को पैर में फंसाना है और यहाँ पे एक नॉट लगाना है। अपने हाथ को, अपने पैर को इस तरीके से थेराबैंड को फंसा देना है। थोड़ा सा खिंचाव लेते हुए हाथ को मिड वाली उंगली में फंसा लेना है, ठीक है, और हाथ को ऊपर खींचना है इसको स्टेबल करके। एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ, दस। ओके, समझ में आया आपको? मैं दोबारा दिखाता हूं। इस तरीके से हाथ की मिड की तरफ यहां पर इस गांठ को फंसा लेना है। थोड़ा सा खिंचाव लेते हुए थेराबैंड को पकड़ लेना है और ऊपर करना है। एक, ठीक है, थोड़ा खिंचाव लीजिए, ठीक है, इस तरीके से खींचिए। एक, दो, तीन, स्टेबल कर लीजिए। चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह। इस तरीके से आपको 15 रिपीटेशन सेम तरीके से ऊपर की तरफ करने हैं, ठीक है। सेम रिपीटेशन ऊपर की तरफ, हाथ को इस तरीके से रखना है नीचे। अभी हम दूसरी तरफ से इस कसरत करेंगे। सेम है पर हाथ मुड़ चुका है। इसी तरीके से हम वापस पैर के नीचे रखेंगे थेराबैंड को, खींचना है और ऊपर की तरफ लेके आना है। एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ठीक है। हथेली जो है वो जमीन की तरफ रहेगी, ऊपर करना है, और हथेली को आसमान की तरफ रख के फिर ऊपर की तरफ ऐसे करना है। 15-15 रिपीटेशन आपको इन कसरत के करने हैं। ये हमारी तीसरे नंबर की कसरत है जो हम कर रहे हैं। इस तरीके से इसको फंसा लेना है, स्ट्रेच रखना है थोड़ा सा थेराबैंड में, हाथ को ऐसे स्टेबल कर देना है और अब इसको ऊपर की ओर खींचना है। एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह। 15-15 रिपीटेशन आपको दोनों हाथों से करने हैं और 2-2 सेट करने हैं। अब हम देखेंगे चौथे नंबर की कसरत। चौथे नंबर की कसरत के लिए आपको हाथ को इस तरह स्टेबल रखना है, एक टेबल पे या अपने पैर पर, और दूसरे हाथ से इसको इस तरीके से बांधना है। देखिएगा, ये हाथ है, इसको इस तरीके से ऊपर से बांधना है, ऐसे पकड़ लेना है इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से हाथ को पकड़े और अब हाथ को खोले और इस वाले हाथ से थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करें। ऐसे देखिएगा, इसको खोलने की कोशिश करनी है और इससे थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करना है, उसके साथ इसको भी खोलना है, ठीक है। इस तरह हाथ स्टेबल रखा, देखिएगा मैं करके दिखाता हूं आपको। ऐसे किया, खोलना है। एक, दो, तीन, चार, पांच। पर इसको इस तरीके से ना करें, इसको एक समतल जगह पर जहां पर आपका हाथ स्टेबल हो तब स्टार्ट करें। इस तरीके से इसको दूसरे हाथ से पकड़ ले और एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ,
नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह 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 रिपीटेशन दोनों हाथों पे करें, सिंगल हैंड पे ना करें। जिस हाथ में आपको दर्द है उस पे तो करें ही सही, दूसरे हाथ पे भी जरूर करें, ठीक है। अब हम देखेंगे हमारी आखिरी नंबर की कसरत जो आपको करनी है। आखिरी पांचवी नंबर की कसरत के लिए हम बोलेंगे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करेंगे। इस तरीके से हाथ को रखना है और कोहनी सीधी और शोल्डर सीधा रखते हुए हाथ को अंगूठे को समेत इस तरीके से खींचना है। देखिएगा इस तरीके से ना करें या इस तरीके से ना करें, सीधा रखे, शोल्डर ढीला छोड़े और खींचे। एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस, ढीला छोड़ दे। लंबा गहरा सांस लें हर एक्सरसाइज के बाद, तीन बार लंबा गहरा सांस लेने का ट्राई करें। दोबारा देखते हैं इस तरीके से आपको करना है, कोहनी सीधी कंधा सीधा इस तरीके से अंगूठे के समेत इसको खींचना है। एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस और ढीला छोड़ते, ठीक है। अब हम देखेंगे पांचवी में ही पार्ट टू, पांचवी कसरत का पार्ट टू। आपको इस तरीके से जैसे आपने अभी ऊपर इस तरीके से किया, इसी तरीके से नीचे की तरफ कोहनी सीधी कंधा ढीला छोड़ते हुए नीचे की तरफ खींचना है। एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस, बीस बीस सेकेंड का होल्ड करें और हर हैंड पे टू रिपीटेशन जरूर करें, ओके। और फ्रिक्वेंटली करेंगे तो ज्यादा बेटर है, पहले ये वाला करें 20 सेकंड, फिर ये वाला 20 सेकंड करें, ऐसे दो दो राउंड पर हैंड पे लें, ठीक है। ये सब एक्सरसाइज आपको करने से टेरिस एल्बो में काफी लाभ मिलेगा। और अगर आपको टेनिस एल्बो की वजह से सूजन आ रहा है, ठीक है, सूजन आ रहा है इस तरफ, क्योंकि हम इसको लेटरल एपिकोंड्राइटिस भी बोलते हैं, तो इस तरह अगर आपको सूजन आ रहा है तो उस पे आप बर्फ का सेक जरूर करें और कुछ दिन के लिए एक्सरसाइज अवॉइड करें। और बर्फ का सेक करने का तरीका कुछ ऐसा रहेगा, बर्फ लीजिए, घुमाइए, जलन को सहन कीजिए जो जलन होती है, और उसके बाद सुन्न होने तक या नमनेस आने तक बर्फ को घुमाते रहिए, उससे आपको काफी लाभ मिलेगा। और आप टेनिस एल्बो का ब्रेस भी सपोर्टर भी पहन सकते हैं, जिससे भी आपको काफी फायदा मिलेगा। और ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपिस्ट को इस बारे में कंसल्ट जरूर करें। नमस्ते, आज की वीडियो में सिर्फ इतना है, थैंक यू।